दोस्तों भारत ने 1900 से लेकर 2021 तक जितने भी ओलंपिक में भाग लिया है उसमें से सबसे अच्छा प्रदर्शन इस बार टोक्यो ओलंपिक में किया है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में खेले गए खेलों में 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती में भारत को रजत पदक दिलाया। 49 किलोग्राम भार वर्ग में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन सिंगल्स में कांस्य पदक जीता। महिला कुश्ती में जोलीना बोरगोहम ने भारत को कांस्य पदक दिलाया। भारतीय हॉकी टीम 41 साल के बाद इस बार पदक जीतने में कामयाब रही, भले ही कांस्य मिला हो। और बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। इस बार 177 खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भाग लिया था। अगर हम भारत के ओलंपिक इतिहास को देखें तो सर्वप्रथम भारत ने 1900 में एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन प्रिजार्ड के साथ भाग लिया था, जिसने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते थे। 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने एक टीम भेजी और उसके बाद से हर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया है। 1964 से शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भाग लेना आरंभ किया, पर शीतकालीन ओलंपिक में अभी तक भारत को कोई भी पदक जीतने में कामयाबी नहीं मिली है। 1920 से 1980 तक ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का दबदबा बना रहा। इस बीच 12 खेलों में से भारत ने 11 पदक जीते, जिनमें से 8 स्वर्ण पदक थे, और 1928 से 1956 तक 6 स्वर्ण पदक तो लगातार जीते। इस बार के ओलंपिक में भारत 48वें स्थान पर रहा है। और अगर हम ओलंपिक खेलों के इतिहास की बात करें तो ओलंपिक खेलों का शुभारंभ 1896 में एथेंस से हुआ था, तो उसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। और भारत ने पहली बार सन 1900 में पेरिस में खेले गए ओलंपिक में भाग लिया था, जिसमें भारत ने 2 रजत पदक जीते थे। 1904 में फिर से जो लुइस में ओलंपिक हुए थे उसमें भी भारत ने भाग नहीं लिया था। 1908 में लंदन में ओलंपिक आयोजित हुए थे उसमें भी भारत ने भाग नहीं लिया था। 1912 में स्टॉकहोम में जो ओलंपिक आयोजित हुए थे उसमें भी भारत ने भाग नहीं लिया था। 1920 में फिर से भारत ने ओलंपिक में भाग लेना आरंभ किया, लेकिन 1920 में भारत को कोई भी पदक जीतने में कामयाबी नहीं मिली थी। 1924 में पेरिस में हुए थे ओलंपिक, उसमें भी भारत को कोई भी पदक जीतने में कामयाबी नहीं मिली थी। और 1928 में भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक के साथ ओलंपिक में प्रवेश किया था और भारत को एकमात्र पदक हॉकी में मिला था, वो भी स्वर्ण पदक। और उसके बाद 1932 में लॉस एंजिल्स में जो ओलंपिक हुए थे उसमें भी भारत की हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, इसके अलावा भारत को कोई पदक नहीं मिला था। 1936 में बर्लिन में जो ओलंपिक हुए थे उसमें भी भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और भारत को स्वर्ण पदक के अलावा और अन्य पदक जीतने में कामयाबी नहीं मिली थी। 1948 में पुनः भारतीय हॉकी टीम ने लंदन में गोल्ड मेडल जीता था और 1952 में हेलसिंकी में एक गोल्ड मेडल के साथ भारत ने एक कांस्य पदक भी जीता था, यानी पहली बार दूसरा पदक, एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक 1900 के बाद में भारत को हासिल हुआ था। 1956 में मेलबोर्न में फिर भारत को मात्र एक ही पदक मिला था और ये हॉकी का 6ठा लगातार स्वर्ण पदक भारत ने 1956 में जीता था। और 1960 में रोम में जो ओलंपिक आयोजित हुए थे उसमें एक पदक जीता था भारत ने, रजत पदक। और 1964 में टोक्यो में एक स्वर्ण पदक जीता था। 1968 में मेक्सिको में ओलंपिक में भारत ने एक कांस्य पदक जीता था। 1972 में म्यूनिक में ओलंपिक आयोजित हुए थे उसमें भी भारत ने एक कांस्य पदक जीता था, लेकिन 1976 में मॉन्ट्रियल में भारत को कोई भी पदक नहीं मिला था। और मास्को में 1980 में भारत ने एक स्वर्ण पदक हॉकी में जीता था और ये हॉकी का आखिरी पदक था 1980 में स्वर्ण पदक, उसके बाद भारत ने इस बार कांस्य पदक जीता है। 1984 में लॉस एंजिल्स में जो
आयोजित हुए थे ओलंपिक गेम, उसमें भारत को खाली हाथ रहना पड़ा था। 1988 में सियोल में भी भारत के हाथ खाली रहे और 1992 बार्सिलोना में भी भारत की झोली पदकों से खाली रही थी। और 1996 में एटलांटा में भारत को एक कांस्य पदक मिला था और 2000 में सिडनी में जो ओलंपिक आयोजित हुए थे फिर से एक कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा था भारत को। 2004 में एथेंस में जो आयोजित हुए थे उसमें एक रजत पदक मिला था। 2008 बीजिंग में जो आयोजित हुए थे ओलंपिक उसमें भारत को एक स्वर्ण और दो रजत पदक मिला करके कुल तीन पदक मिले थे। और 2012 लंदन में जो आयोजित हुए थे ओलंपिक गेम्स उसमें भारत को दो रजत और चार कांस्य के साथ छह पदक मिले थे। 2016 में रियो ओलंपिक में भारत को एक रजत और एक कांस्य से संतोष करना पड़ा था, लेकिन इस बार 2021 में भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण दो रजत और चार कांस्य पदक के साथ कुल पदकों की संख्या सात तक पहुंचा दी है। और भारत का अगर हम रैंकिंग की बात करें तो भारत 48वें स्थान पर इस बार रहा है। तो कुल मिलाकर भारत के लिए ये पदकों के लिहाज से काफ़ी अच्छे रहे हैं ओलंपिक खेल। तो मुझे लग रहा है कि भारत अब बहुत ही जल्दी ओलंपिक में अपना स्थान अच्छा करता जाएगा। और जो जिस प्रकार से चाइना ने ओलंपिक खेलों में एक लंबी छलांग लगाई है उसी प्रकार भारत को भी एक लंबी छलांग के साथ हम ओलंपिक में बहुत ही जल्दी काफी पदकों के साथ हमको स्थिति मजबूत होती हमको नजर आ रही है।